तो आज हमारे भारत के बहुत ही खास दिन स्वतंत्र दिन के नियम पे यूथ इको रिवॉल्यूशन ने एक सर्वे वीडियो बनाने का ट्राई किया है, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे चीज़ें जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी है, जिसके पीछे पर्दा डाला गया है और जिस पे हमारे आने वाली जो यूथ है या फिर जो अभी की यूथ है वो ध्यान नहीं देती है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार ज़रा आप लोग मेरे पीछे देखिए, एक बार दिखाइएगा, इस साइड दिखाइएगा, कितना सुंदर दिखता है ना ये। आज से करीब 500 से 600 साल पहले इस किले का निर्माण किया गया था हमारे चंद्रपुर के रूलिंग राजा के द्वारा। सो आज हमारे देश का जो युवा है उसकी देशभक्ति साल में सिर्फ दो दिन जागती है, जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के, और वो देशभक्ति व्हाट्सएप स्टेटस एंड इंस्टाग्राम स्टोरी तक ही सीमित रहती है, जिसके वजह से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको ये जो हमारी सुंदर चीज़ें जो हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, जो ये हमारे किले हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं रहेगा कि कितनी स्ट्रांग हमारी हिस्ट्री थी। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाए गए जो घर रहते हैं 15 साल 20 साल पुराने घर, वो टूट जाते हैं, बट ये जो किले हैं जो हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाते हैं कि हमारी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग थी, वो किले 500 से 600 साल बिना हिले अपने जगह पे बिल्कुल प्रॉपरली खड़े। पर इनको सबसे बड़ा जो डैमेज पहुंचाया जा रहा है वो हमारे द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके द्वारा। आज हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देना चालू कर दिया, बट द डेवलपमेंट विच वॉज मेड बाय अवर हिस्टोरिकल किंग्स हैज बीन इग्नोर्ड बाय अस। इसका मतलब क्या कि जो हमारे पहले के जो राजा महाराजा लोगों ने जो चीज़ें हमारे लिए बना के गए थे, जो हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर हिस्ट्री, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं हमारे द्वारा निगलेक्ट करने में आ गई। आज गवर्नमेंट रोड बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में और झाड़ लगाने में और लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, कोई इन पे ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कंसर्न नहीं है ना। वॉट वी आर थिंक दैट, हमने ये सोच रखा है कि जस्ट ये हमारे लिए एक स्पॉट है, एक डेस्टिनेशन है। आज मैं चंद्रपुर का हूँ तो मेरे लिए या फिर जो लोकल लोग हैं उनके लिए अंचलेश्वर गेट जस्ट इज एन ए लैंडमार्क, एक जगह है कि बस हाँ ये हमारी डेस्टिनेशन है। बट द मेन थिंग इज दैट नोबडी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दिस थिंग, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे आजकल के जितना भी यूथ है वो अलग चीज़ के तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो हमारा यूथ है, एक काल ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि जो युवा लोग रहते थे, जो यूथ रहता था, वो चेंजेस लाने के लिए काम करता था। आज हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम सिर्फ खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, बट इनके बारे में कौन ध्यान दे। इनको भी तो प्रिजर्व करना चाहिए ना, ये भी तो हमारी जिम्मेवारी है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आइए मेरे साथ देखिए। सुंदर तो बहुत दिख रहा है हमारा किला, हाँ वाजी बहुत सुंदर है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने, कई लोगों ने अपना इसके लिए खून पसीना बहाया है, कई लोगों ने अपनी जान इसके लिए दांव पे दी है, उन लोगों ने इस किले को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, और कुछ लोग देखिए यहाँ पर आके क्या करते। अब ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा निगलेक्ट होना बोल सकते हो आप, या फिर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम जो खुद यूथ है यार, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन टोटली गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते। द ओनली कंसर्न इज दैट हमें खुद को एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअली अगर आप इन चीज़ों को बचा नहीं पाते हो तो यार प्लीज़ इन्हें ख़राब भी मत कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। अगर आप में नहीं है वो उर्मा कि आप इनको आके प्रिजर्व कर सकते हो, तो आप प्लीज़ इन्हें ख़राब भी मत कीजिए। और इन द सेंस अगर कोई आपको दिखता है ऐसी जो गलत काला विधि यहाँ पे करता है, जैसे कुछ कचरा करना या फिर यहाँ पे आके मदिरा पान करना, उन लोगों को भी आप एक इंटीमेशन दीजिए कि ये जो चीज़ें हैं, दिस रिप्रेजेंट आवर हिस्ट्री, यार इतनी पुरानी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ों को आप इसी तरह ख़राब कर रहे हो, तो जो आपके आने वाली यूथ है वो क्या देख पाएंगे, है ना। सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो थोड़ा सोचिए इस बारे में सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। आप इंडिविजुअली अगर चाहते हो तो आप इंडिविजुअली आके इसके प्रति काम कीजिए। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हाँ भाई कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, दिस वॉज नॉट आवर ओवरव्यू अबाउट दिस। हमारा ये बोलने का मतलब था कि एक रियलिटी दिखाना, कि एक हकीकत में चीज़ें क्या हो रही। आज अगर हम इस चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, आज अगर हम इन चीज़ों के द्वारा हम काम नहीं करेंगे इनके प्रति, तो फिर कल को जाके कौन करेंगे,
कल को इन चीज़ों के बारे में कुछ बच ही नहीं पाएगा ना। तो आप ज़रा सोचिए इसके बारे में। आज प्रशासन का दबाव है, वरना फिर हम खुद से भी ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट कर सकते, इतना हम में है गट्स। बट एक वो चीज़ होती है ना यार कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट वी आर ट्राइंग अवर हार्ड। कुछ सालों पहले से हम लोग काम कर रहे हैं इसके प्रति, पर वो है ना कि दिख रहा है कि आज का यूथ किस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमने ये सोचा था, जो हमारे संगठन का नाम है वो है यूथ इको रिवॉल्यूशन। कभी इस नाम पे आप गौर कीजिएगा, यूथ इको रिवॉल्यूशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मेड फॉर यूथ, बाय यूथ, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर ओवरऑल इन्वायरमेंट, हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए। बट वही है ना यार कि आज की रियलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी स्टार आता है या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा गैदर होती है। रैदर देन अगर हम ऐसी चीज़ करने के लिए किसी को बोले कि भाई क्लीन अप ड्राइव है, कि भाई आज हम किला साफ करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग आना चाहोगे, तो वहाँ पे यूथ का ध्यान नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज अब धीरे धीरे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं अलग सभ्यता की तरफ। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एकजुट होइए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आज नहीं दोगे तो कल को बहुत समय हो जाएगा। और अगर इस वीडियो में मेरी आपको मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगती है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी। थैंक यू।